बॉलीवुड की महान अदाकारा श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 54 वर्षीय श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर व छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एक शादी में शरीक होने दुबई गई हुई थी, जहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से चल बसी। दुख की बात ये भी है, इन अंतिम चढ़ाव में उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर उनके साथ नहीं थी। इस खबर से तो जैसे फिल्मी जगत में मातम से छा गया है। फिल्मी जगत की हस्तियों का उनके घर पहुँचने का सिलसिला चालू हो गया है। मुंबई स्थित श्रीदेवी घर पर उनके रिश्तेदार व नज़दीकी पहुंचने लगे हैं, जहां उनकी अभी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर मौजूद हैं। बता दें कि अभी हाल में बॉलीवुड एक्टर श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी व पति बोनी कपूर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखी गई थी। बहरहाल बॉलीवुड की ओर से श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, श्रीदेवी को प्यार करने वाले हर व्यक्ति के प्रति संवेदना। दोस्तों एक काला दिन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी को ये हार्ट अटैक रात करीबन 11:30 बजे आया था। श्रीदेवी एकदम स्वस्थ थी, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। गौरतलब है कि फिल्म हिंदी जगत में श्रीदेवी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली फिल्मों में भी काम किया है। अपनी सदियों नाटकी व खूबसूरती से सभी के दिलों में जगह बनाने वाली श्रीदेवी अपनी अंतिम सांसें ले ली हैं। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म में डेब्यू करते हुए नहीं देख पाई, जो उनका एक सपना था। वो अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर को फिल्म में डेब्यू करते हुए देखना चाहती थी, उनका वह यह सपना अधूरा रह गया। तो दोस्तों बहुत ही दुख की खबर है। श्रीदेवी जी के प्रति और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।